आप सभी लोगों को सुबह का नमस्कार। आज आप लोगों का डीजीटी का पेपर है, कई विषयों का पेपर होने जा रहा है। उसमें हमारे जो स्टूडेंट हैं डीजीटी बायोलॉजी या दूसरे विषय के स्टूडेंट जो भी हैं, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। आपके पेपर बहुत अच्छे हो, आप सिलेक्शन पावे, माँ बाप माता पिता सभी का नाम रोशन करें, गुरुओं का नाम रोशन करें, जो भी अध्यापक आपको पढ़ाए उसके नाम रोशन करें। ठीक है, एक अध्यापक बहुत खुश होता है जब उसका स्टूडेंट बहुत आगे जाता है। हमें भी बहुत खुशी होगी जिस दिन आप बताएंगे मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, इतने क्वेश्चन सही हुए, मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। हम भी थोड़ा सा प्रयास किए कि आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका पेपर थोड़ा सा अच्छा हो जाए, थोड़ा सा टाइम आपको दे पाए, ज्यादा समय नहीं, लेकिन शाम को ही लाइव क्लास करके, रात में लाइव क्लास करके थोड़ा सा भागीदार हम भी बने। लेकिन मैं पूरा अपना वो श्रेय नहीं लेना चाहूंगा। कोई भी स्टूडेंट सेलेक्ट होता है तो वो अपने मेहनत से सब सेलेक्ट होता है। हम तो एक थोड़ा सा मार्गदर्शन, थोड़ा सा प्रेरणा स्रोत आपसे हैं, आपके लिए हैं कि मोटिवेट कर रहे हैं। हम वो एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं जो आप क्वालिफाई करने जा रहे हैं, एक डायरेक्शन दे सकते हैं, एक दिशा बता सकते हैं आपको कि एग्जाम कैसा है। सारी मेहनत आपकी है, आप एग्जाम में जा रहे हैं, धैर्य बनाए रहें, सभी लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। चूंकि दिन रात आप मेहनत किए हैं, हमसे लगे हैं, हम अपने अनुभव के आधार पे आपको प्रैक्टिस पेपर कराए हैं, जो संभावित प्रश्न आ सकते हैं उसको मैंने करवाया है। मुझे उम्मीद है एग्जाम अच्छा होगा। आप लोगों के मन में एक भ्रम रहता है पेपर कैसा आएगा, दूसरा भ्रम रहता है कि एग्जाम में जो पढ़े हैं सब भूल जा रहा है, जो अभी तक पढ़े वो भूल जा रहा है। कुछ नहीं, एग्जाम में सब याद आ जाता है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे, पेपर खोलेंगे तो सब कुछ याद आ जाता है। सबको लगता है, मुझे भी लगता था जब मैं एग्जाम देता था कि सब कुछ भूल रहा है, लेकिन एग्जाम में बैठते समय सब कुछ याद आ जाता है। आप निश्चिंत रहें, पेपर बहुत अच्छा करेंगे। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे आपके लिए, आप एग्जाम में जा रहे हैं, धैर्य बनाए रहिए, शांतपूर्वक आराम से पेपर पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। कुछ क्वेश्चन घुमा देता है तो उसको भी पढ़िए, जो क्वेश्चन घुमाया हुआ है उसको भी अगर आसानी से आराम से पढ़ेंगे तो वो सही हो जाएगा। टाइम पर्याप्त रहता है, उतने समय में पेपर आपका हो जाएगा। लास्ट का आधा घंटा आप ओएमआर सीट को ब्लैक करने के लिए टाइम बचा के रखिए, और डेढ़ घंटा जो है उसमें आप पेपर पढ़िए, क्वेश्चन रफ पे, उसी क्वेश्चन पेपर पे आप टिक लगाते जाइए, जो क्वेश्चन ना आ रहा उस पर मार्क कर दिए, गोला बना दीजिए, उसको बाद में देखिएगा। पहले जितना आ रहा उसको सही करते जाइए, बाद में फिर दूसरे राउंड में करिए, फिर गोला जो बनाया है उसको फिर करते जाइए, जब जो थोड़ा सा टफ है उसको थोड़ा सा बाद में करिए, पहले जो आसान है उसको करते आगे बढ़ जाइए। दूसरा चीज ये कहना चाहेंगे कि आप लोग एग्जाम में जा रहे हैं, एग्जाम हॉल के लिए एक छोटा सा बॉटल अपने साथ पानी का रखिए, अपना एडमिट कार्ड रखिए, ब्लैक पेन जरूर रखिए, ब्लैक पेन से ही सब कुछ क्या फिलअप करना है। ठीक है, धैर्य बनाए रखिए, एकदम घबराइए ना, आपका पेपर अच्छा होगा। मेरी तरफ से सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।